क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये ले टिफिन, इसे भी सामान के साथ रख दे। या माँ, दिल्ली से 2 घंटे ही तो दूर है मेरठ, अब उसके लिए टिफिन बनाने की क्या जरूरत थी? जब 2 महीने माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। रख ले। बात तो सही कह रही है, बहुत मिस करूंगी आपको। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी बेटा। मैं तो अब भी कहती हूँ कि इतना दूर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है। हाँ देख, वैसे भी तेरा टीचर भर्ती का रिजल्ट अब 2 महीने में आने वाला है, और ये लोग तुझे तनख्वाह भी कितनी कम दे रहे हैं बेटा। माँ, माँ वो एक एनजीओ है, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करने वाली संस्था। पता है आपको, वहाँ पे अनाथ बच्चियों के पढ़ने लिखने रहने खाने पीने सबका इंतजाम किया जाता है। और वैसे भी तनख्वाह में क्या रखा है? जैसे तेरी मर्जी। मेरी टैक्सी आ गई माँ, मैं निकलती हूँ। अरे वो एनजीओ का नाम क्या बताया था तूने? महिला संरक्षण विद्यालय। कितना हुआ भैया? 250 रुपये। मैडम ये जगह शहर से 20 किलोमीटर दूर है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ। आपको कभी कोई जरूरत हो, मार्केट वगैरह जाना हो तो फोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे। जी जरूर, आप अपना नंबर दे दीजिए। नंबर सब लेते हैं लेकिन फोन कोई नहीं करता है। मतलब? उसने आप नंबर लिखिए। 790। आपका नाम? सुमित। थैंक यू। ओके मैडम। हाँ जी मैडम। जी वो मैं नई टीचर सुरभि सिंह। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, प्रिंसिपल साहब ने बताया था। आइए आइए, बारिश हो रही है, आइए आइए, बैग दीजिए, आइए आइए आइए। जी जी, आइए आइए। कैसे हुआ ये सब? पूनम कैसे हुआ ये? सर वो पूनम भागने की कोशिश कर रही थी तो वो गिर गई। रुचि के कहने का मतलब है मैं कंपाउंड में भाग रही थी तो गिर गई। अच्छा अभी तुम जाओ, ख्याल रखना अपना। मैम ये वरुण सर, यहाँ पर टीचर है। हाय, मेरा नाम है सुरभि, नई टीचर अपॉइंट हुई हूँ। जानता हूँ मैं, बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। ओ अच्छा। गुप्ता जी। हाँ जी। आप मैडम का बैग ऊपर रखवा दीजिए। जी सर। आइए मैं आपको प्रिंसिपल सर से मिला देता हूँ। ये 4थी बार भागने की वारदात, ये हो क्या रहा है सारिका? जी सर वो लड़कियों पे और ज्यादा नकेल कसो। कविता की मौत के बाद बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव है मुझ पर। जी जी सर। दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप भी यही रहते हैं क्या? जी नहीं, मैं शहर की तरफ रहता हूँ। ओके। वैसे यहाँ का ज्यादातर स्टाफ यहीं पर रहता है। Come in, please. आई। अब आप भी जाइए, आपका भी क्लास का टाइम हो रहा होगा। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये सुरभि जी हैं, हमारी नई टीचर। ये हमारे प्रिंसिपल सर त्यागी जी। हेलो सर। आइए बैठिए। थैंक यू। वरुण चाय के लिए बोल दो गुप्ता जी को। जी सर।
वैसे तो सुरभि जी, आपने हमारे एनजीओ के बारे में रिसर्च तो जरूर किया होगा। जी सर। फिर भी मैं बता देता हूँ, हमारे इस एनजीओ में यतीम लड़कियों के लिए रहने खाने पीने और उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। वैसे तो आप जानती ही हैं, बाहर की दुनिया में इन यतीम बच्चियों का कोई भी सगे वाला नहीं, हर कोई उनका शोषण करने पे लगा रहता है। बहुत नेक काम कर रहे हैं सर आप। गुड्डू। अरे आओ चाचा बैठो। कविता मैडम की जगह एक नई मैडम आई है, प्रिंसिपल साहब ने तुझे चाय बनाने के लिए बोला है। नाम क्या है? सुरभि, सुरभि नाम है उसका। दिखने में कैसी? कविता मैडम से भी बढ़िया माल है, एकदम चकास। ओए हाय। सुन तो, ओ हाय हाय, तू चाय में पाउडर डालना मत भूलियो। अरे चाचा हमको मत सिखाओ यार। अरे आपकी हिंदी की क्लास सुबह होगी और इंग्लिश की क्लास शाम को होगी। सर चाय लीजिए मैडम, आपके लिए स्पेशल चाय। थैंक यू। आप चाय पी लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको स्कूल की बच्चियों से और पूरे स्टाफ से मिलवाता हूँ। ठीक है सर। श्योर। मैडम कैसी लगी चाय? बहुत अच्छी। चलो अभी अपने बुक्स निकालो और चैप्टर नंबर 5 खोलो। आइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुरभि जी, ये है सारिका जी। हेलो। हेलो। अभी फिलहाल इनकी होम साइंस की क्लास चल रही है। लड़कियां अगर घर गृहस्थी का काम सीखें तो भला इसमें बुराई क्या है, ऐसा हमारा मानना है। जी बिल्कुल। बच्चों आज से ये हैं आपकी नई टीचर, इनका नाम है सुरभि जी। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगी। हेलो बोलो। हेलो मैम। हेलो। कैसा लगा स्कूल आपको? जी बहुत अच्छा। यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर स्टाफ भी रहता है और साथ में बच्चियां भी रहती हैं। अच्छा। चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। आइए। इसके ऊपर वाले फ्लोर पर मेस है। ओके। सर ये यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है क्या? हाँ यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ ABN का नेटवर्क चलता है। मैं गुड्डू को बोल दूंगा, वो कल आपके लिए मार्केट से एक नई सिम ले आएगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। लीजिए आपका कमरा भी आ गया, आइए। आपके बगल वाला कमरा सारिका जी का है। अच्छा। और हाँ, जब तक आपका सिम नहीं आ जाता, आपके कमरे में लैंडलाइन है, इससे आप किसी को भी फोन कर सकती हैं। अरे वाह, थैंक यू सर। प्रिंसिपल सर ने बोला आपके लिए नया सिम कार्ड लाने, उसके लिए आपके कागजात लगेंगे ना? हाँ मैं देती हूँ, मैं बुलाती हूँ तुमको, तुम जाओ और अगली बार से नॉक कर देना। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो? आपको ये बताना था कि खाना मेस में 8 बजे लग जाता है। ठीक है मैं आ जाऊंगी। हेलो माँ, सुरभि बोल रही हूँ। बेटा ये किसका नंबर है? ये यहाँ का लैंडलाइन नंबर है। यहाँ पे ना नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है, समझे? आप ये नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। खाना खाया तुमने?
अभी नहीं खाया, अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। अपना ध्यान रखना, फोन करती रहना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक। का फोन गिर गया था क्लासरूम में? नहीं मैडम, मेरे पास कोई फोन नहीं है। इतना क्यों घबरा रही हो? अरे क्या हुआ? अरे सर भी, अरे सारिका जी, टिफिन लाई है जी। तो काम ही नहीं कर रहा है। करेगा चाचा, करेगा। अरे कब करेगा? अरे रुको, यू ओके? सुरभि जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, लंबा सफर करके आई होगी ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई होगी। मान गया तेरे पाउडर को। हाँ आज पूरी रात मैडम सोने वाली है, ना कोई हवा लगने वाली है ना कोई पता। आइए चलिए। अनीता, आज तेरा नंबर है। प्रिंसिपल सर ने स्पेशल काढ़ा बनवाया तेरे लिए। चल पी ले। मुझे नहीं पीना। और तुम लोग क्या खड़े? चल निकलो। हाँ, पीना है कि प्रिंसिपल सर को बोलूं? शाबाश। आज अनीता की बात, हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं रुचि? देखा ना यहाँ से भाग के जाने का नतीजा, हम ना यहाँ किसी को कुछ बोल सकते ना ही कुछ कर सकते। पर हम कब तक ऐसे ही सहते रहेंगे पूनम? कब तक? जब तक भगवान हमारे लिए कोई मसीहा नहीं भेज देता। अनीता, अनीता सुन, अनीता। अनीता होश में आ, अनीता होश में, अनीता पूनम पानी ला, अनीता होश में आ। अरे पानी के डबिया सब झूम रहे। अनीता होश में आ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? चलो अपनी अपनी जगह पे जाके सो जाओ। चलो चले अनीता। हाँ चलो चलो। अरे यार घूमती नजर आ रही है। ठीक है चलो चलो चलो, इधर इधर इधर। अरे ठीक से चलाओ यार। अरे ठीक है बस बस।
से पागल। बस 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 सर आप अरे पहले हमें देखने तो देखने दे यार थोड़ा। क्या था आज्ञा गौरी गुप्ता? कुछ नहीं साहब, बस सारा काम हो गया, आपका इंतजार था। ठीक है चलिए साहब, चाय पाने के लिए बस थोड़ा सा। ए यार गुप्ता, तुम कभी सुधरोगे नहीं। चलो हटना, मुझे देखने दे। अरे चाचा पहले जाके सुरभि जी को देखो, कहीं वह उठ ना गई हो। अरे 6 महीने के बच्चे की तरह सो रही है, ये सब तेरे पाउडर का असर है।